मेरा नाम है हारिस एंड यू आर वाचिंग खोजडील। आज की वीडियो में मैं आपको बेस्ट फोर स्लाइस टोस्टर्स के बारे में दिखाने वाला हूं। बेसिकली ऐसे टोस्टर जिनके अंदर आप चार ब्रेड के पीस एक साथ डाल सकते हैं। मैं आपको सारे के सारे पॉपअप टोस्टर्स दिखाने वाला हूँ, मतलब जैसे एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है आपके ब्रेड के पीस जो है वो पॉप हो जाएंगे। कैंसिल बटन आपको सबके अंदर मिल जाएगा, मतलब एक साइकिल को आप बीच में कहीं पर भी रोकना चाहते हो अपने टोस्टर को, वो बटन कैंसिल बटन रोक देगा। दूसरा बटन रीहीट बटन, मतलब अगर आप एक साइकिल को फिर से करना चाहते हैं, फिर से एक साइकिल रिपीट करना चाहते हो तो रीहीट बटन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा है डीफ्रॉस्ट बटन, मतलब अगर आप ठंडी फ्रिज में रखी गई ब्रेड को भी डाल रहे हैं अपने टोस्टर में तो आपका टोस्टर बहुत अच्छे से उसको टोस्ट कर देगा। तो तीन बटन आपको सबके अंदर देखने को मिल जाएंगे। एंटी स्लिप होने वाले मैं आपको जितने भी दिखाने वाला हूं, बिल्कुल भी फिसलते नहीं है, अच्छे खासे वेट के होने वाले हैं। और खास बात यह है कि ऑटो शॉट ऑफ आपको सबके अंदर मिल जाएगा। जैसे ही आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी या तो अपने आप रुक जाएगा, वोल्टेज के ऊपर नीचे होने से भी आपका टोस्टर अपने आप ही रुक जाएगा। सभी के अंदर आपको जो है ट्रे देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं या फिर ब्रेड क्रम्स होते हैं जले हुए उनको कलेक्ट कर लेती है नीचे, तो आप उसको बाद में बाहर खिसका सकते हैं और साफ कर धो होकर उसमें वापस ऐसे ही लगा सकते हैं। अंदर से चाहे आपका हीटिंग एलिमेंट कितना ही गर्म हो रहा हो लेकिन बाहर से आपकी बॉडी जो है वो कूल रहती है एकदम। तो दोस्तों ये कॉमन पॉइंट सबके अंदर आपको मिलने वाले हैं। अब जो मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा पांच की, और यही ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि आपकी बाइंग गाइड भी की तरह भी काम करते हैं, मतलब यही सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको कोई सा भी टोस्टर लेने से पहले याद में रखना है। तो चलिए दोस्तों इन्हीं पॉइंट्स की वजह से हम बढ़ते हैं हमारे टॉप फाइव की लिस्ट की तरफ। लेकिन दोस्तों इससे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए खोजडील के यूट्यूब चैनल को, कॉमेंट सेक्शन में जो पूछना है मैं बैठा हूं जवाब देने के लिए। तो चलिए दोस्तों लिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर जो उन्होंने रखा वह है बोरोसिल का टोस्टर, आप मेरे साइड में देख सकते हैं 2,285 रुपीज में आपको करंटली मिल रहा है विद 2 ईयर्स ऑफ वारंटी। वॉट्स की बात करता हूं तो आपको 1500 वॉट में ये मिल जाएगा, काफी अच्छी पावर, काफी अच्छी हीट आप जनरेट कर सकते हैं इसके थ्रू। 1.8 किलोग्राम इसका वेट होने वाला है, कहूंगा कि 2 किलो के वेट के साथ ये टोस्टर आपको करंटली मिल रहा है। 1.2 मीटर इसकी कॉर्ड की लेंथ होने वाली है, तो काफ़ी अच्छी लंबी कॉर्ड है। अगर आपका प्लग किचन के अंदर थोड़ा सा दूर है तो आपको ज़्यादा इसको पोर्टेबल बन जाएगा ऑब्वियसली अगर मैं बात करूँ। और 7 लेवल्स ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल आपको मिल जाता है, डायल आपको मिलता है, उसमें आप जो है टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं, मतलब 7 लेवल तक, जितना कम आप नंबर पर रखेंगे उतना कम वो हीट जनरेट करेगा, और फुल पर रखेंगे 7 पर तो ऑब्वियसली वो अच्छे से आपकी हीट को जनरेट करेगा फुल पावर पर। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो बोरोसिल बहुत ही फेमस कंपनी है, इसकी वाटर बॉटल्स काफ़ी ज़्यादा फेमस है और बहुत तरीके के ये होम अप्लायंसेज बनाता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया एक ऑप्शन खरीदने के लिए हो सकता है। सेकंड नंबर जो उन्होंने रखा है वो है मॉर्फ रिचर्ड्स का टोस्टर, आप मेरे साइड में देख सकते हैं 2,585 रुपीज़ का करंट प्राइस दिखा रहा है। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी इसका प्राइस हो सकता है। 2 साल की वारंटी आपको इसके ऊपर भी मिल जाएगी विद 1450 वॉट्स, मतलब काफ़ी अच्छी पावर आप जनरेट कर सकते हैं इसके थ्रू। वेट की बात करूँ तो आपको इसका परफेक्ट बिल्कुल 2 किलो के वेट के साथ ये मिल जाएगा। कॉट की लेंथ जो मैंने आपको पहले दिखाया था टोस्टर उसी के जितनी है, 1.2 मीटर्स, और इसके अंदर ही आपको 7 लेवल्स ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। डायल आपको मिलता है, उसको घुमाकर जो है आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों मॉर्फ रिचर्ड्स इज ऑल्सो अ वेरी वेरी फेमस ब्रांड, इसके कॉफी मेकिंग मशीन भी काफी ज्यादा फेमस है। तो दोस्तों ये भी आपके लिए काफी अच्छा एक परचेजिंग ऑप्शन खरीदने के लिए हो सकता है। जितने भी दोस्तों ये टोस्टर्स हैं फोर स्लाइस टोस्टर्स, इन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाइए अपने हिसाब से देखिए कि आपको इनमें से कौन सा पसंद आता है। लेकिन कंडीशन है वीडियो को पूरा देखिए, जब भी जाकर आपको अपना फेवरेट टोस्टर मिल पाएगा। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप हमारे खोजडील के टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट डील्स और अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो थर्ड नंबर जो मैंने रखा है वो है अमेरिकन माइक्रोनिक का टोस्टर, आप मेरे साइड में देख सकते हैं, करंट प्राइस चल रहा है 3,881 रुपीस। अब दोस्तों इसमें पता है खास बात क्या है कि इस टोस्टर में आपको 2 टोस्टर जो कि 2 स्लाइस वाले टोस्टर्स होते हैं वो कंबाइंड मिल रहे हैं, मतलब ये पूरा टोस्टर 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक एक सेक्शन, दोनों सेक्शन अलग अलग टेम्परेचर पर, अलग अलग टाइमर्स पर रन कर सकते हैं। ये होने से आपको 2 ही तरीके की इनमें ट्रे मिल जाती है। बेसिकली जो 2 स्लाइस वाले टोस्टर्स होते हैं वो आपको 2 ऐसे टोस्टर्स एक साथ कंबाइंड मिल रहे हैं जो कि इसको 4 स्लाइस टोस्टर बना देती है, तो आप दोनों को अलग अलग हीट सेटिंग पे वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आने वाली जो लिस्ट है, अब 4th और 5th वाला जो नंबर मैं आपको दिखाऊंगा टोस्टर, वो भी आपको यही सेक्शंस डिवाइडेड में मिल जाएंगे टोस्टर्स, वो ऐसे ही होने वाले हैं लेकिन ब्रांड उनका थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो दोस्तों ये आपको करंटली मिल रहा है 3,881 रुपीज में। वारंटी की बात करता हूं तो 1 साल की वारंटी आपको इसके ऊपर देखने को मिल जाएगी पूरे ऑल ओवर पैन इंडिया,
वॉट्स की बात करता हूं तो क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा है, दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो पावर की जरूरत पड़ेगी। 1600 वॉट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। वेट की बात करूं पूरी की, तो 3.2 किलोग्राम का वेट आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और दोनों ही अलग अलग सेक्शंस में आपको 7 लेवल टेम्परेचर कंट्रोल मिल जाएगा अलग अलग डायल्स के साथ। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज के अंदर ये आपके लिए काफी बढ़िया एक ऑप्शन खरीदने के लिए हो सकता है। फोर्थ नंबर अगर हमने रखी है iBell की टोस्टर, आप मेरे साइड में देख सकते हैं, ये वैसे ही दो सेक्शन में डिवाइडेड वाला टोस्टर है। करंट प्राइस चल रहा है इसका 3799 रुपीज। इस प्राइस रेंज में आपको एक साल की वारंटी तो वैसे मिलती है पूरे प्रोडक्ट के ऊपर, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने पर, फ्री रजिस्ट्रेशन करवाने पर आपको 6 महीने की एडिशनल वारंटी भी देखने को मिल जाती है। वॉट्स की बात करूं तो 1300 वॉट में ये टोस्टर आपको करंटली मिलने वाला है। वेट की बात करूं तो वही आपको 3.2 किलोग्राम के वेट, जैसे पिछले वाला मैंने आपको दिखा था वैसे ही वेट आपको मिल रहा है। और अच्छी चीज़ इसके अंदर यह है कि आपको जो ग्रिल करने के लिए, आपको टोस्ट ग्रिल करने के लिए या फिर आपके बंस वगैरह ग्रिल करने के लिए उसका सेट भी आपको मिलता है, जिसको आप ऊपर अटैच कर सकते हैं और उसके ऊपर आप बंस को भी ग्रिल कर सकते हैं बहुत आसानी से। ब्रेड हो या फिर एक्स्ट्रा चीज़, आप कुछ भी गर्म करना चाहते हो, वो सपोर्ट सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है, आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। और 7 टेम्परेचर लेवल कंट्रोल आपको मिल जाएगा अलग अलग सेटिंग पे हीट अप करने के लिए। दोस्तों मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, जो ग्रिल वाले आपको इसके ऊपर मिल रही है वो चीज़ काफ़ी बढ़िया, आप कुछ भी एक्स्ट्रा गर्म कर सकते हैं इस प्राइस रेंज में। लेकिन एक छोटा सा डिसएडवांटेज मुझे इसके अंदर ये लगता है कि वॉट थोड़ा सा कम है। अगर 1400 वॉट भी होता, 1450 या फिर 1500 भी होता तो भी बढ़िया था, लेकिन 1300 वॉट भी बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आप इसकी तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो लास्टली जो हमने अपनी लिस्ट में रखा है वो है ब्लैक डेकर का टोस्टर, आप मेरे साइड में देख सकते हैं, 6995 रुपीज़ में आपको करंटली मिलने वाला है एक साल की वारंटी के साथ। और इस प्राइस रेंज में आपको अनबिलीवेबल 2300 वॉट देखने को मिल जाएंगे, जो कि इसे काफी बढ़िया पावर जनरेट करने में मदद करने वाले हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। 2.6 किलोग्राम जिसका ओवरऑल वेट होने वाला है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, एकदम मॉडरेट वेट है इस प्राइस में, तो बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये है कि आपको 6 टेम्परेचर कंट्रोल देखने को मिलता है, जो लेवल है वो 6 तक ही है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हर ब्रांड का अपना अलग अलग हिसाब होता है। तो ये भी हो सकता है कि अगर 6 है इसमें तो वो 8 लेवल टेम्परेचर की तरफ वर्क करें, तो ये भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको बीच वाले सिस्टम में मिल जाए, जो कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि 1 पर आपने कर रखा है तो आपको 1.52, ये भी हो सकता है आपको मिल जाए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ब्लैक डेकर की तरफ से ये भी आपके लिए काफ़ी बढ़िया एक ऑप्शन खरीदने के लिए हो सकता है। तो ये थी हमारी टॉप 5 की बेस्ट लिस्ट। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कॉमेंट सेक्शन में जो पूछना है पूछ लीजिएगा, टेलीग्राम को फॉलो करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए दोस्तों ऐसी वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे आपसे अगली वीडियोज़ में।